भोपाल स्थित मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं आरोग्य भारती के संयुक्त तत्वाधान में कोविड 19 स्वस्थ जीवन शैली विषय पर ऑनलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें देश के विभिन्न आयुर्वेदाचार्यों ने कोरोना को लेकर अपने विचार रखे। इस दौरान विशेषज्ञों ने वैश्विक महामारी के भय से देश को बचाने के लिए सकारात्मक वातावरण बनाने और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर जोर दिया। मानसरोवर आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज एवं श्री साई इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदिक रिसर्च एंड मेडिसिन भोपाल के संयुक्त तत्वाधान में आयुर्वेदिक क्षेत्र के पहले वेबिनार का आयोजन किया गया। वेबिनार में केंद्रीय आयुष मंत्री श्रीपद यस्सो नायक ने लोगों को प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की सलाह दी। सेमिनार में मध्य प्रदेश में शुरू की गई जीवन अमृत योजना के अंतर्गत आयुर्वेदिक त्रिकटो चूर्ण आरोग्य काढ़ा की सराहना की गई। सेमिनार में कोविड 19 से लड़ने और बचाव के बारे में चर्चा की गई। विशेषज्ञों का मानना है कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर सभी को जोर देना चाहिए। देश में पहली बार आयोजित इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर भारत चौरागड़े, अनुराग सिंह राजपूत, डॉक्टर मनीषा राठी, डॉक्टर कुशल यादव, डॉक्टर विकास जैन, डॉक्टर मदन मोहन सिंह की सक्रिय भूमिका रही। मानसरोवर ग्रुप के CED गौरव तिवारी ने वेबिनार में शामिल होने वाले विभिन्न प्रदेशों के विशेषज्ञों का आभार जताया और सुनिश्चित किया कि देश हित में ऐसे सेमिनार आगे भी होते रहेंगे। उन्होंने कहा, मनुष्य में रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है, जिसमें आयुर्वेद की अहम भूमिका होती है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।